नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट फोर। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त भारत का दुश्मन नंबर वन तालिबान सरकार में गृह मंत्री बन गया है, जो पाकिस्तान के बेहद करीब है और भारत के खिलाफ कई बार बम धमाके किया है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये सब देखते हुए भी आखिर भारत चुप क्यों है, ये बात आज हमारी जनता हमारी सरकार से पूछ रही है। अगर अभी तालिबान को नहीं रोका गया और उस पर हमले नहीं किए गए तो वे कश्मीर में हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा। पीओके से ताजिकिस्तान सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और आप सभी जानते हैं कि ताजिकिस्तान में भारत के एयरबेस मौजूद है। दोस्तों इसी कारण इस वक्त पूरे भारत के लोग मोदी जी से पंजशीर में वायुसेना भेजने की आग्रह कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि एक बेहद खुफिया रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि ताजिकिस्तान में भारत का एयरबेस पंजशीर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में अगर भारत पंजशीर की मदद नहीं करता है तो जनता मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि पंजशीर में भारत का एक भरोसेमंद दोस्त अमरुल्ला साले रहते हैं। इसी कारण भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने दोस्त की मदद के लिए कुछ बड़े कदम जरूर उठाए। आज हम इसी बात पर आपसे बेहद विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पंजशीर को लेकर मोदी जी क्या सोच रहे हैं, क्या भारत ने अभी तक कोई मदद पंजशीर में पहुंचाई है या नहीं, इस बात की जानकारी भी हम आपको आज देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारी सेना का हौसला बढ़ा दे। दोस्तों आज पंजशीर से सबसे बड़ी खबर आई थी, वहाँ के शेरों ने पाकिस्तानी ISI एजेंट को बेरहमी से मार डाला। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI का किया धरा है। दुनिया को भी इस बात का पता है, समय समय पर इसके सबूत भी मिलते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से अफगानिस्तान में किसी तरह की दखल अंदाजी की बात से इनकार करता रहा है। ISI और पाक फौज की अफगानिस्तान में भूमिका की तस्दीक करता एक वीडियो भी सामने आया है, जो अफगानिस्तान में मारे गए ISI एजेंट को साफ दिखा रहा है। दोस्तों तालिबान के लिए मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इस वक्त तालिबान के टॉप लीडर को गोली मार दिया गया है, अब सबने सुना होगा। और अब खबर आ रही है कि मुल्ला अली वरदर इस वक्त ICU में भर्ती है और वे किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है। दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब सरकार नहीं बना पा रहा है। सरकार बनाने के लिए तालिबान के अंदर ही घमासान मचा है। अफगानिस्तान के अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता को लेकर तालिबान और हक्कनी नेटवर्क आमने सामने है, दोनों गुटों के बीच गोलीबारी होने लगी है। ऐसी ही एक घटनाक्रम में तालिबान का को फाउंडर मुल्ला वरदार घायल हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वरदार अब पाकिस्तान में इलाज करा रहा है। इसी के चलते सरकार के गठन के ऐलान को भी टाल दिया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि तालिबान की सरकार का नेतृत्व वरदार के हाथ में होगा। मुल्ला वरदार चाहता है कि वे सभी पक्षों को शामिल करते हुए सरकार का गठन करे, लेकिन हक्कनी नेटवर्क ऐसी किसी साझेदारी के खिलाफ है। सिराजुद्दीन के नेतृत्व में हक्कनी और इसके आतंकवादी समूह सत्ता साझा नहीं करना चाहते है। कहा जा रहा है कि हक्कनी को पाकिस्तान का मौन समर्थन हासिल है। हक्कनी इस्लामिक नियमों पर आधारित एक शुद्ध तालिबान सरकार के पक्ष में है। तालिबान और मुल्ला वरदार के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि दोहा में उन्होंने जिन देशों के साथ वार्ता की है उनसे यही कहा है कि वे सभी पक्षों को मिलाकर सरकार बनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबानी सरकार में अहम पद हक्कनी नेटवर्क को दिया जाए, इसके जरिए वे अफगानिस्तान की सत्ता को नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैज के काबुल पहुंचने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि वे केटा शुरू के मुल्ला यकूब मुल्ला अब्दुल गनी वरदार और हक्कनी नेटवर्क के बीच मतभेद खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों भारत का सबसे खूंखार दुश्मन तालिबान सरकार में कैसे मंत्री बन गया, जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत का दुश्मन नंबर वन मानने वाला सिराजुद्दीन हक्कनी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में शामिल है। अमेरिकी सरकार ने तो बाकायदा इस आतंकी के ऊपर $5 मिलियन करीब 36 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। ISI के पिट्टू सिराजुद्दीन हक्कनी ने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं।
है। जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाले हुए है। हक्कानी समूह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसने तत्कालीन अफगानिस्तान राष्ट्रपति हामिद करजाई की हत्या का प्रयास भी किया था। माना जाता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी की उम्र 40 से 50 के बीच में है, जो अज्ञात ठिकाने से अपने नेटवर्क को संचालित करता है। ये वही आतंकी है जिसने 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्महत्या कार बम हमला करवाया था। इस हमले में कई भारतीय सहित 58 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से आदेश जारी हुए थे। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है, तो खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क पर्दे के पीछे से निकलकर कैमरे के सामने आ गया है। दोस्तों, ये सब देखते हुए भारत की जनता मोदी जी से गुहार लगा रही है कि प्लीज पंजीश्वर की मदद के लिए कोई कदम उठाइए। हालांकि आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ खूनी हमला करके नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के विद्रोही नेता अहमद मसूद और अमरुल्ला सलेह के घर पंजीश्वर घाटी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी कब्जे के बाद पंजीश्वर के ये दोनों ही नेता जहां अज्ञात स्थानों पर चले गए हैं, वही विद्रोही लड़ाके अब दवा पानी और भोजन के लिए तरस गए हैं। भारत ने नॉर्दर्न अलायंस के जमाने में अफगानिस्तान के विद्रोहियों की हथियार से लेकर दबाव तक में मदद की थी। अब तालिबानी पाकिस्तानी नरसंहार के बीच एक बार फिर से PM मोदी से पंजीश्वर के विद्रोहियों की मानवीय मदद की मांग उठ रही है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि अगर हम अपने दोस्तों तक पहुंचने के लिए फरखोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इस हवाई ठिकाने का क्या मतलब है। भारत के दोस्त कहे जाने वाले अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सलेह के करीबी कपिल कोमरेड्डी ने भी ट्वीट करके कहा कि भारत का ताजिकिस्तान में एयरबेस है। यह पंजीश्वर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। ये वही जगह है जहां से भारत ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद की थी। भारत के लिए वहां से दवाई भेजना असंभव नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रयास तक नहीं किया। भारत को पंजीश्वर के लोगों की मानवीय मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अकेले मदद करने की बजाय अपने दोस्तों जैसे ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि से बातचीत करके उन्हें अपने साथ लाना चाहिए। फिर इन देशों की मदद से पंजीश्वर के लोगों की मानवीय मदद करनी चाहिए। कमर आगा ने कहा कि भारत सीधे तौर पर अफगानिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे में उसे ताजिकिस्तान की सहायता से अफगान विद्रोहियों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि भारत को अकेले मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। एक डर ये भी है कि तालिबानी इससे नाराज हो सकते हैं और वे कश्मीर में भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बता दें कि भारत का ताजिकिस्तान में फरखोर में हवाई ठिकाना है, जिसे अयानी बेस भी कहा जाता है। यह विदेश में भारत का एकमात्र हवाई ठिकाना है। यही से उसने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद के लड़ाकुओं की मदद की थी। भारत ने यूनिफॉर्म, छोटे हथियार, मोटर गोले, कश्मीर में जब्त की गई AK-47 राइफल, सर्दियों के कपड़े, खाना और दवाई भेजी थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ताजिकिस्तान सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की निगाहें ताजिकिस्तान में भारत की सैन्य तैनाती पर जमी रही है। अफगानिस्तान हो या ईरान, पाकिस्तान भारत की मौजूदगी को अपने लिए खतरा समझता है। भारत के लिए भी ये बेस इसलिए और अहम हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर में भारत को पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर भारत मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है भारतीय वायुसेना के फाइटर ताजिकिस्तान से पेशेवर को निशाना बना सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के संसाधन खतरे में आ जाएंगे। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को पूर्व से पश्चिम में जाना पड़ेगा, जिससे भारत के साथ उसका सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।